हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th का। ऑब्वियसली बायोलॉजी का चैप्टर है, पर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, इस चैप्टर से रिलेटेड प्री प्रिपेयर्ड नोट्स का कोई लिंक नहीं मिलेगा, तो अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठो और साथ साथ चीज़ें नोट करते जाओ। एक और बात, ये एक रिविज़न बैच स्टार्ट किया है मैंने, तो चीज़ें थोड़े से फास्ट मोड पर होंगी, आप चाहो तो वीडियो को बीच बीच में पॉज करके लिखते जाना, ठीक है? चलो, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन चार चीज़ों से कंसिस्ट करते हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस के बारे में डिस्कशन करके। ओके, तो टेस्टिस एक ऑर्गन है, टेस्टिक्स एक ऑर्गन है। ऑर्गन प्रेजेंट है एक पाउच के अंदर, जिसका नाम है क्या, स्क्रोटम। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि भाई ये जो स्क्रोटम है इसका फंक्शन क्या है। तो स्क्रोटम का फंक्शन होता है कि जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है ना, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, ये इस टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 या फिर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। इसका मीनिंग बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 34.5 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, तो फर्स्ट तो इसका आंसर ये लिखते हैं कि क्या करता है, टेस्टिस के अंदर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। तो इट मेंटेन्स लो टेम्परेचर इन द टेस्टिस विच इज 2 to 2.5 degrees Celsius लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ओके, लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या है, बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री नीचे जा रहे हो, ऐसा क्यों? बिकॉज टेस्टिस का काम क्या है, टेस्टिस का काम है स्पर्म के फॉर्मेशन करना। तो स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए ये वाला बॉडी टेम्परेचर होना, सॉरी ये वाला टेस्टिस का टेम्परेचर होना ज़रूरी है। तो क्या लिखूँ फिर आगे, दिस temperature is required for the process of spermatogenesis. ओके, आगे चलते हैं। अब इस टेस्टिस के अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो टेस्टिस के अंदर यहाँ पे कुछ कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे कितने कंपार्टमेंट्स है, 250 कंपार्टमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है। इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से कनेक्टेड है या इनसे अटैच्ड है डक्ट, जो मैं लाइट ब्लू कलर से दिखा रही हूँ। तो इस डक्ट को बोलते हैं क्या, रेटेटेस्टिस। ठीक, अब इस रेटेटेस्टिस से फर्दर कनेक्टेड है एक और डक्ट, इससे फर्दर कनेक्टेड हो गई एक और डक्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या, वासा डक्ट, वासा एफेरेंशिया। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये जो वासा एफेरेंशिया है, ये सब कनेक्टेड होते हैं फिर एक और डक्ट से, डक्ट फिर से डक्ट, डक्ट के बाद एक और डक्ट, और इस डक्ट को हम बोलते हैं क्या, एपिडिडेमिस। ओके,
और बढ़िया। आगे देखो, अब ये जो एपिडिडेमिस है ये फिर आगे मूव करती है और आगे मूव करके कन्वर्ट हो जाती है एक और डक्ट में, जिसका नाम है क्या? वास डेफरेंस। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। अब ये जो वास डेफरेंस है ये मूव करते हुए चला और आ गया यहाँ पे इनका मेल बॉडी का यूरिनरी ब्लैडर। तो ये दैट मीन्स ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए पास कर रहा है। अब जब ये यहाँ से पास कर रहा है तो यहाँ प्रेजेंट है दो ग्लैंड, एक का नाम है भाई साहब सेमिनल वेसिकल। और यहाँ पे एक और ग्लैंड भी प्रेजेंट है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, फिर ये यहाँ से पास होके फिर आगे मूव करते जाएगा, वो भी थोड़ी देर में देखेंगे, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा खिचड़ पिचड़ मच जाएगी। अभी यहाँ पे आना जरा वापस, क्या क्या था इसके अंदर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट हो रहा था किससे? अ पेयर ऑफ टेस्टिस से। ठीक है, तो टेस्टिस की आउटर कवरिंग का नाम स्क्रोटम था और टेस्टिस के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम था स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत बढ़िया। उसके बाद इसमें अटैच थे क्या? डक्ट। कितने डक्ट हैं? पहले का नाम रेटर टेस्टिस, उससे फिर निकल के आ रही थी दूसरे टाइप की डक्ट जिसका नाम था वासेफेरेंशिया। उसके बाद थर्ड टाइप के डक जिसका नाम था क्या? एपिडिडेमिस। उसके बाद फोर्थ टाइप के डक जिसका नाम था वास डेफरेंस। दो तरह की ग्लैंड अभी तक देख लिए, वैसे तीन तरह की होती है, वो डायग्राम मैंने वहीं पर छोड़ दिया, लेकिन तीन तरह की डक ग्लैंड है, आगे दिखाऊंगी अभी। एक का नाम है क्या? सेमिनल वेसिकल। दूसरे वाली का नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरे वाली ग्लैंड का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसको बोलते हैं पेनिस। ठीक, देखिए जरा एक बार डायग्राम बना लूँ। ये देखो, जो जो चीज़ें अभी बताई हैं उसको इस डायग्राम में बड़े अच्छे से देख लो। ओके, यहाँ देखो तो ये हो गया क्या? टेस्टिस। और ये हो गई टेस्टिस की आउटर वाली कवरिंग, जिसका नाम था क्या? क्या नाम था इसका? स्क्रोटम। और यहाँ पे तुम्हें ना थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, बट तुम्हें दिखेंगे। क्या दिखेंगे? ये कंपार्टमेंट्स, ये थे वो कंपार्टमेंट्स जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन आ गया इनका, इसका रेटर टेस्टिस। उसके बाद आगे कौन? एपी वास डेफरेंस। उसके बाद आ गया कौन? एपिडिडेमिस। और एपिडिडेमिस के बाद आ गया कौन? वास डेफरेंस। वास डेफरेंस किसके ऊपर से मूव करते हुए जा रहा है? यूरिनरी ब्लैडर से। ओके, बहुत बढ़िया। और यहाँ आ गई एक और ग्लैंड जिसका नाम था क्या? सेमिनल वेसिकल। उसके बाद आ गई दूसरे वाली ग्लैंड जिसका नाम है क्या? प्रोस्टेट। और प्रोस्टेट के बाद यहाँ देखो कि छोटी छोटी सी जो ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है क्या? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, और उसके बाद ये हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसका नाम है क्या? ग्लैंड पेनिस। और पेनिस की एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं क्या? फोर स्किन। ठीक, अब इसी का ये साइड व्यू दिखा रखा है जिसको बोलते हैं सेक्शनल व्यू। तो सेक्शनल व्यू में भी सब कुछ देख लो आराम से। स्क्रॉटम, स्क्रॉटम में टेस्टिस, और टेस्टिस से यहाँ से निकलते हुए जा रही है क्या? एपिडिडेमिस, जो कि कनेक्ट हो जाएगी किससे? वास डेफरेंस से। और वास डेफरेंस फिर यहाँ पे गई और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए पहुँच गई किसके पास? सेमिनल वेसिकल के पास। सेमिनल वेसिकल के पास पहुँचने के बाद वो मिलेगी किससे? प्रोस्टेट ग्लैंड से। और फिर यहाँ पर वो मिल जाएगी किससे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। तो मेरे ख्याल यहाँ तक तुम्हें सब कुछ आ गया, मास्टर बन गए तुम लोग। आगे चलते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। देखो जरा, यहाँ तक कवर हुआ। अब जरा इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर झांक के देखें। ये थे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, कितने हैं ये काउंटिंग में? 250। अब इनके अंदर झांक के देखते हैं। आओ देखें, तो टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट हैं ये
लॉब्यूल्स, हम लोग इन लॉब्यूल्स को देखते हैं। तो मैंने एक लॉब्यूल को थोड़ा सा एनलार्ज करके बनाया, ठीक, देखना जरा। इस एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे होंगे, ठीक। इनको बोलते हैं क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं क्या? सेल्स, बहुत तरह की सेल्स है, देखते हैं जरा। इसके अंदर प्रेजेंट है वन टाइप के सेल्स जिसका नाम है क्या? मेल जर्म सेल्स, यानी कि ये मेल गैमिट बनाया करेंगी। इसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं एक और तरह की सेल्स जिसको बोलते हैं क्या? सर्टोली सेल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास ये खाली जगह देख लो, खाली जगह, खाली जगह। इस खाली जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन सेल्स को हम बोलते हैं क्या? लेडिग सेल्स। एक मिनट, तू कहाँ से भाग रहा है? तो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं कुछ सेल्स जिसको हम बोल रहे हैं क्या? लेडिग सेल नंबर फर्स्ट। यहाँ पे लेडिग सेल्स के साथ साथ एक और सेल्स भी होती हैं जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, एक्चुअली ना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत प्रोन होता है टूवर्ड द इन्फेक्शंस, तो यहाँ इम्यूनोलॉजिकल सेल्स तो होना बनता ही है। अगर पता नहीं कब कौन सी बीमारी अटैक कर दे, उस वक्त हमें इलाज की ज़रूरत ना पड़े, तो हमारे इम्यून सिस्टम खुद ही वहाँ से लड़ लड़ा के बात को ख़त्म कर लेगा। खैर, फिलहाल जो समझने वाली बात है वो ये कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उसके अंदर दो तरह की सेल्स मिली। एक का नाम क्या है? एक का नाम है मेल जर्म सेल्स और दूसरे का नाम है सर्टोली सेल्स। अच्छा, तो चलो इनके अंदर देखें ये सेल्स क्या करती हैं। आ जाओ मेरे साथ, तो देखो फिर क्या होता है ना, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो ब्रेन है, उस ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये वाला पोर्शन जरूर लिख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ से पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। तो हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्लैंड हमारे पास प्रेजेंट होती है ब्रेन में। ये ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है क्या? GnRH, बोले तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, ठीक है, कर दिया तुमने रिलीज। अब ये जाएगा और ये एक्ट करेगा किस पे? ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बदले में रिलीज करेगी दो हार्मोन, एक का नाम है LH और एक का नाम है FSH। LH को हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH को हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, आगे की कहानी देखते क्या होता है। तो जरा एक बार पीछे आओ, देखा ना इसमें कौन कौन सी सेल्स है, जरा इस पर फोकस करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट है एक तो अपने ये लेडिग सेल्स, नंबर टू सर्टोली सेल्स और नंबर थ्री हमारे पास है मेल जर्म सेल्स, ठीक है। अब हार्मोन कौन से आए हैं वो देखना जरा, जो रिलीज होके हार्मोन फाइनली आए हैं वो कौन है? एक तो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH और एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट मीन्स FSH। इसको बोल जाओगे कि इसने तो
इस पे काम किया था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, इसका काम तो यहीं खत्म हो गया। अब हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पहुँचे हार्मोन है वो कौन है, दो ही तो हैं, एक का नाम LH है, एक का नाम FSH है। तो ये जो LH भाई साहब होते हैं ये जाते हैं और एक्ट करते हैं किस पे, लेडिक सेल पे। ये लेडिक सेल वही जो लोब्यूल के, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाले एरिया में प्रेजेंट थे। लेडिक सेल, लेडिक सेल पे एक्ट किया है किसने, LH हार्मोन ने। LH हार्मोन ने लेडिक सेल को बोला कि तुम एक नया हार्मोन बनाओ जिसका नाम है क्या, एंड्रोजन। ओके, तो इन भाई साहब ने एंड्रोजन बनाया। यही एंड्रोजन है जो कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन कराता है, यानी कि क्या कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करता है, मेल जर्म सेल्स करते हैं। और मेल जर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, यहाँ। तो देखो क्या हुआ कि ब्रेन से LH हार्मोन आया, वो एक्ट किया किस पे, लेडिक पे, और लेडिक्स ने निकाला क्या, एंड्रोजन। और एंड्रोजन एक्ट करने चला गया किस पे, मेल जर्म सेल्स पे। ठीक है, अभी होल्ड पे लगाते हैं, देखते हैं अभी मेल जर्म सेल्स क्या करेंगे। अभी बात रह गई किसकी, FSH हार्मोन की। तो चलते हैं फिर FSH हार्मोन को ट्रैक करते हैं। ये FSH हार्मोन जाके एक्ट करता है किस पे, सर्टोली सेल्स पे। अब तुम्हें याद हो, अभी पहले तो बताया कि सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, यहाँ पर। अब बदले में जब FSH आ गया सर्टोली सेल्स के पास, तो बदले में इन सर्टोली सेल्स ने निकालने शुरू करे कुछ फैक्टर, सम फैक्टर्स, इट सीक्रेट सम फैक्टर। फैक्टर क्या, फैक्टर क्या, फैक्टर बोले तो खाना। तो कुछ फैक्टर्स निकाले जो कि हेल्प करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। देखो वो वर्ड अलग है स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये वर्ड अलग है स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, इसको जरा होल्ड पे लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या प्रोसेस है। ठीक है, वापस आ जाओ जरा। ठीक, हुआ क्या है, ब्रेन से आया था कौन, GnRH। GnRH गया था किस पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और भाई वहाँ से आ गया कौन, वहाँ से आ गया कौन, LH। LH गया था लेडिक सेल के पास, लेडिक सेल से आ गया कौन, एंड्रोजन। और अब यही एंड्रोजन काम करवा रहा है किस से, मेल जर्म सेल्स से। ठीक, तो मेल जर्म सेल्स बैठे हुए थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये जो मेल जर्म सेल्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं प्यार से स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया। अगर प्लूरल में बोलना है तो गोनिया, और अकेला बोलना है तो स्पर्मेटोगोनियम। मैं दोनों लिख लेती हूँ। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, ये करते हैं माइटोसिस। और माइटोसिस करके ये बढ़ाते हैं अपने नंबर, इनके नंबर बढ़ गए। जब इनमें इनके नंबर बढ़ जाएंगे तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया हो जाएंगे। उन बहुत सारों में से कुछ फ्यू ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डेवलप करते हैं, यानी कि ग्रो करते हैं। और डेवलप करके बना लेते हैं क्या, एक नया रूप ले लेते हैं ये लोग, और बना लेते हैं क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये करेगा क्या, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस तुम लोगों को अगर याद होगा तो दो साइकिल्स पे चलता है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट इसने कंप्लीट कर लिया। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद ये बनाएगा क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करेगा क्या, अपना क्या क्या, कुछ ज़्यादा हो रहा है ना, हो रहा है तो हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो ये बनाएगा स्पर्मेटोजोआ, नहीं 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 ये बनाएगा स्पर्मेटिड। ओके, अब स्पर्मेटिड क्या बना रहे हैं, स्पर्मेटिड भाग के गए किसके पास, सर्टोली सेल के पास। ये बना बना कुछ नहीं रहे, बेचारे इमेच्योर है, कुछ नहीं आते हैं लोगों को, गधेड़े हैं ये।
तो ये पहुंचे किसके पास, सर्टोली सेल के पास। तो यहाँ लिख दो मूव टू सर्टोली सेल। सर्टोली सेल इसको देती है खाना, इसको खिलाया पिलाया। वही फैक्टर जो अभी सर्टोली सेल ने निकाला था, जो सर्टोली सेल से एक्चुअली निकलवाया गया था, तो FSH गया था ना सर्टोली सेल के पास कि भाई कुछ सिक्रीट कर दो कुछ फैक्टर। यही फैक्टर अब ये दे देगा किसको, स्पर्मेटिड को। और स्पर्मेटिड को जब ये फैक्टर मिल जाएंगे तो स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, स्पर्मेटोजोआ में। कहाँ चल रहा है ये सारा प्रोसेस, टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर का लोब्यूल, उस लोब्यूल के अंदर के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मेल जर्म सेल था, उसने फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, उसने फिर स्पर्मेटिड बनाया। स्पर्मेटिड यहाँ से निकल के इधर को मूव कर गया किसके पास, सर्टोली सेल के पास, और बन गया क्या, स्पर्मेटोजोआ। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है, ये जो ट्रांसफॉर्म होके जो बन रहा है, इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, ऐसे लिख दो, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ बन गया ना। अब स्पर्मेटोजोआ यहाँ से बना तो अब यहाँ से निकालो इसको, निकाल निकाल निकाल, दफा करो इसे बाहर। यहाँ पे कनेक्ट था कौन, एक डक्ट। उस डक्ट का नाम क्या था, उस डक्ट का नाम था रेटेटिस्टिस। तो क्या होगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से दिस विल मूव आउट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। अब तुम्हें एक ही जैसे तीन नाम मिल गए हैं, किसी ने अगर ध्यान दिया हो तो। अब एक ही जैसे तीन नाम हो गए, एक तो नाम है तुम्हारे पास स्पर्मियोजेनेसिस, एक तुम लोगों के नाम पास आ गया नाम कौन सा, स्पर्मिएशन, और एक नाम जो बहुत देर पहले आ चुका था जिसका नाम था क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बोले तो स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस बोले तो उस स्पर्मेटिड का कन्वर्जन किस में, स्पर्मेटोजोआ में, और स्पर्मिएशन बोले तो जब स्पर्मेटोजोआ बन चुके हैं तो अब इनको निकालो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से और डाल दो किस में, रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस से ये जाएंगे किसके पास, वसा एफेरेंशिया, वहाँ से जाएंगे किसके पास, एपिडिडेमिस, फिर जाएंगे किसके पास, रेटेटेस्टिस, और घूम फिर के बॉडी से बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो बन गया है क्या, स्पर्म बन गया है। अब जरा इस स्पर्म का ट्रेस करें, कहाँ को जाएगा ये स्पर्म, कहाँ गया वो डायग्राम, बड़ा प्यारा सा डायग्राम था ये। अब जरा इस वाले पिक्चर में देखो, यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, अच्छा सा कलर लो यार, दिखाई भी नहीं दे रहा। ठीक, ये रहा, यहाँ पे तैयार हो गए थे, कौन तैयार हुए थे यहाँ पे यार, यही स्पर्मेटोजोआ, ये यहाँ से निकल के आ गए किस में, रेटेटेस्टिस में, वहाँ से गए किस में, वास डेफरेंस, वहाँ से जाएंगे अब एपिडिडिमिस, और फिर यहाँ से मूव करके जा रहे हैं वास डेफरेंस से किसके पास, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से भी तो कुछ लेंगे ना। तो अब चलो इनको देख लेते हैं ये क्या देंगे। तो पहुँच गए ये बॉडी के बाहर। अब जब ये बॉडी के बाहर आ गए हैं तो हमारे पास ग्लैंड्स आए, तो जरा ग्लैंड्स वगैरह से जाने से पहले देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस से बना था, टेस्टिस से, डक्ट से, और अब थर्ड नंबर आ गया किसका, ग्लैंड का। तो ग्लैंड सेमिनल वेसिकल, ग्लैंड नंबर टू प्रोस्टेट ग्लैंड, और ग्लैंड नंबर थ्री बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
ठीक है, अब क्या हुआ? सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों मिलके निकालेंगे क्या एक फ्लूड जिसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। इस सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है? इसमें होता है फ्रक्टोज और साथ में इसमें होते हैं क्या कैल्शियम, कैल्शियम के आयंस। ये दोनों उस स्पर्म को दे दिए जाएंगे जो अभी वास डेफरेंस से मूव करते हुए इन लोगों के पास आया है। तो यानी अभी वो स्पर्म कैसा हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर हो जाएगा तो उसका मीनिंग वो बॉडी से बाहर जाने की कोशिश करेगा। अब जब वो बॉडी से बाहर जाएगा तो उसके पाथवे को आसान बनाने का काम कौन करेगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर जो सिचुएटेड है, क्या करते हैं, इस पाथवे को ल्यूब्रिकेट कर देते हैं। तो ल्यूब्रिकेशन इनका फंक्शन है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, सो दैट कि जो स्पर्म्स हैं वो इजीली बॉडी से बाहर आ जाए। तो लुब्रिकेशन ऑफ दिस एरिया, दिस एरिया को क्या बोलते थे, पेनिस। तो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस लिखे, जरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का भी फंक्शन लिख लेते हैं। इट ल्यूब्रिकेट्स द पेनिस। इसलिए जरूरी है लुब्रिकेशन, सो दैट के इजीली ये जो स्पर्म्स फॉर्म हुए वो आसानी से बॉडी से बाहर आ सके। ठीक है, अब हमने फाइनली बनवा दिया क्या बॉडी के अंदर स्पर्म। चल अभी स्पर्म के डायग्राम को देखने से पहले ना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, ये कौन है, ये कौन है, ये कुछ जानते हैं इसको? चलो देखते हैं, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो देख लेगा। तो ये था टेस्टिस, ये थे उसमें लॉब्यूल्स, लॉब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट थे क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन किया, यहाँ से कट किया। तो देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे ही तो है, एलोंगेटेड है। अब इसको कट करोगे तो यहाँ से सर्कुलर आउटलाइन ही तो हमें दिखेगी, वही सर्कुलर आउटलाइन यहाँ पे नज़र आ रही है। अब याद करो जल्दी से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या था। यहाँ हमें मिलेगा क्या मेल जर्म सेल। अब वो जो मेल जर्म सेल है उसने क्या क्या बनाया था, वही स्पर्मेटोगोनियम था, स्पर्मेटोगोनियम वही तो था। फिर उसी ने थोड़ी देर के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिए थे, फिर उसी ने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना दिए थे। तो यही तो बन रहे हैं ना वो सब चीज़, इसी स्ट्रक्चर के अंदर तो फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर मैं इसका सेक्शन कट करूँ तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ तो मुझे दिखेगा, या तो स्पर्मेटोगोनियम दिखे, स्पर्मेटोसाइट दिखे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिखे, स्पर्मेटिड दिखे, मुझे स्पर्मेटोजोआ दिख जाए, स्पर्मेटोजोआ, कुछ ना कुछ तो इसी में से तो दिखेगा। साथ में यहाँ पे प्रेजेंट थे सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स जिसने न्यूट्रिशन दिया था उनको, किसको, स्पर्मेटिड को कन्वर्ट कर दिया था किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। तो देखें ज़रा क्या क्या दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे देखो। अच्छा कुछ कलर बढ़िया सा लो ना जो नज़र आए, कौन सा कलर नज़र आ जाएगा, येलो देखें, ट्राई मारते हैं। तो यहाँ ये वाला सेक्शन देखो, ये सेक्शन देखो पहले तो, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है भाई, इसी के अंदर कितने सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। तो यहाँ से कट कर दो, कट करोगे तो ये सब तुम्हें दिख जाएंगे। बीच में दिख रहा है ये क्या है, ये क्या है ये? तो ये जो बीच का ये जो एरिया है, ये वाला एरिया तुम्हें वहाँ पर नज़र आ रहा था। इसका मीनिंग यहाँ कौन सी सेल्स होने चाहिए, लेडिग सेल्स एंड इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। ठीक है, चलो आगे देखें। अच्छा देखो ज़रा, तो यहाँ पे ये वाले जो सेल्स दिख रहे हैं ये कौन है, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम से डिवाइड हो के तो बन रहे हैं, तो यहाँ छोटे छोटे से सेल्स नज़र आ रहे होंगे। किसी को नहीं नज़र आ रहे तो रोए ना, अपने एनसीईआरटी की बुक खोलो, उसमें भी ये डायग्राम है, वहाँ पे देख लो। ठीक है, ये नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स। तो इसने देखो यहाँ लेबलिंग भी कर रखी है, एनसीईआरटी में भी देखोगे यहाँ पे लेबलिंग है स्पर्मेटोगोनियम की। चलो मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ लास्ट में, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, बैठ के रो रहे हो भाई, मुझे तो डायग्राम दिख रहा ही नहीं है। चलो देखो, ओके, इसको यहाँ से बनाया मैंने, ये छोटे छोटे से ये सब बन गए, छोटे छोटे से, छोटे छोटे से। तो इधर जो सेल्स हैं वो कौन है, स्पर्मेटोगोनियम। उसके बाद यहाँ जो सेल्स बन रहे होंगे वो कौन होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो स्पर्मेटोगोनियम तो बचे रहने चाहिए, बॉडी में दिखते रहने चाहिए, क्योंकि अगर स्पर्मेटोगोनियम ही खत्म हो गए तो फिर नेक्स्ट टाइम स्पर्म कैसे फॉर्म होगा, राइट। तो ये बन गया क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद यहाँ कौन होंगे,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ कौन होंगे स्पर्मेटिड्स, और कुछ स्पर्मेटिड्स ने क्या किया, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म कर लिया। देखना ये मैं बड़े बड़े से सेल्स बना रही हूँ, ये कौन है सर्टोली सेल्स, बीच बीच में ऐसे सेल्स दिखेंगे सर्टोली सेल्स। अच्छा सर्टोली सेल्स का एक अनलार्ज सा बना देती हूँ, ऐसे सर्टोली सेल्स में ऐसे स्ट्रक्चर सा प्रेजेंट होता है यहाँ। तो ये जो है ना ये कौन थे स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिड फिर यहाँ से भाग के जाते हैं इसके पास और यहाँ स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो यहाँ भी देखोगे ना ऐसे ऐसे डायग्राम्स दिख रहे हैं, ऐसे ये टेल वाले लार्वा जैसे से कीटाणु जैसे से, तो ये कौन है स्पर्मेटोजोआ, ये यहाँ सर्टोली सेल्स के पास नजर आएंगे। तो ये डायग्राम बनाने को आता है एग्जाम में, तो डायग्राम बनाने को आएगा तो आप ऐसे ही तो बनाओगे कि भैया ये हो गया कौन, कौन हो गया ये, कौन हो तुम, ये हो गया एक कंपार्टमेंट लोब्यूल हो गया है ना, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये तो देख रहे हैं, तो उसके अंदर ये पूरा एरिया हो गया क्या इंटरस्टिशियल स्पेस, तो इसके अंदर सेल्स बना देना, कुछ कुछ सेल्स बना दिए। अब ये जो सेल्स हैं ये कौन है इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। अरे तुम लोगों के लैब मैनुअल में भी ये डायग्राम होगा क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल में भी तो है ये, परमानेंट स्लाइड्स आप देखते हो इसकी, तो लैब मैनुअल में बहुत अच्छा डायग्राम मिलेगा, वहाँ से भी देख लेना कि एग्ज़ाम में आ जाएगा तो तुम कैसे बनाओगे, या फिर अगर एग्ज़ाम में बना हुआ आ गया और वो इसको ए लिख दे, इसको बी लिख दे, इसको सी लिख दे, तो इन सब के नाम भी तो आने चाहिए तुम लोगों को कि भैया ये स्पर्मेटोगोनियम होगा, ये वाला स्पर्मेटोगोनियम होगा, ये वाला सर्टोली सेल होगी सर्टोली सेल, ये वाला कौन है स्पर्मेटोजोआ है, यहाँ जो सेल्स हैं ये कौन है ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे लेडिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक ये हो गया कवर, आगे चलते हैं। तो अब हमने स्पर्म फॉर्म कर लिया, अब इस स्पर्म के डायग्राम पे आ जाते हैं। ओके बना देते हैं एक जल्दी से स्पर्म, रफ डायग्राम बनाऊँ कि बढ़िया डायग्राम बनाऊँ, यह भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलो देखते हैं, ये ड्राइंग बहुत अच्छी है वैसे, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता हूँ। ओके ये बना दी मैंने, देख लो ठीक है, ठीक है इसकी चोट से निकलिए ना। चलो डायग्राम इसलिए बना रही क्योंकि डायग्राम बनाने को आता है, वो लोग आपसे कहेंगे 3 मार्क्स में डायग्राम बना दो, कभी जीवन में बनाया होगा तो बनाओगे ना। चलो अब इसकी लेबलिंग करते हैं फटाफट से और सबके फंक्शंस देख लेते हैं, तो फिर हमारे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहीं पे एंड हो जाएगा, बहुत अच्छी बात हो जाएगी फिर। तो आउटर लेयर तो आपको पता ही है, हर एक सेल के आउटर लेयर का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हम एनिमल बॉडी की बात कर रहे हैं और तुम लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि स्पर्म इज अ सेल है ना। चलो अंदर चलते हैं, अंदर के इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या एक्रोसोम, एक्रोसोम में प्रेजेंट यानी ये हेड रीजन है इसका, सिर है इसका, और इसमें प्रेजेंट होते छोटे छोटे से एंजाइम। यहाँ पे क्या है एक न्यूक्लियस है, हल्का फुल्का सा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो क्या लिखूँ ये कौन है, ये है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटीरियल, इसके बाद ये कौन सा पोर्शन है, ये इसका नेक है, इसके बाद आ जाओ ये कौन है, ये है मिडल पीस। अच्छा मामा ये मिडल पीस है, मिडल पीस के अंदर यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, क्या बना दिए हो तुम, ये सब है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हो गया इसका टेल पोर्शन, इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं हेड। तो हेड किस किस से मिलकर बन गया, एक्रोसोम से मिलकर बन गया, यहीं पे न्यूक्लियस आ गया, यहीं पे छोटा मोटा सा साइटोप्लाज्म आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, बेसिकली हमें पढ़ने हैं इनके इनके फंक्शंस किस किस के, एक्रोसोम का फंक्शन पूछेंगे तुमसे, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है, क्या ज़रूरत थी उसकी, यहाँ टेल का फंक्शन पूछेंगे, पता टेल का भी कोई फंक्शन पूछता है, छोटी बात कर दी। चलो एक्रोसोम,
एग्रोसोम में क्या है, इसमें ना एंजाइम्स भरे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में. तो इन दिस एंजाइम्स आर फिल्ड दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. कैसे करते हैं फर्टिलाइजेशन में हेल्प, वो सब होल्ड पे लगा दो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें जब फीमेल में गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. अच्छा, किसी ने अगर ध्यान दिया हो तो ये न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए, हैप्लॉइड, ये बात समझ में आ जाएगी अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो. क्योंकि भाई मेल जर्म सेल थे, वो स्पर्मेटोगोनियम थे, फिर उन्होंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर उसने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर उसने स्पर्मेटिड बनाया, है ना. तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था क्या, मियोसिस फर्स्ट. यहाँ कंप्लीट हो गया था क्या, मियोसिस सेकेंड. तो जब मियोसिस सेकेंड फर्स्ट कंप्लीट हो गए तो उसके बाद जो तैयार होगा स्ट्रक्चर वो हैप्लॉइड ही तो होगा. तो स्पर्मेटिड से बना था स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ फिर सेमिनल प्लाज्मा खा पी के बन गया था स्पर्म. तो इसके बाद के तो सारे स्ट्रक्चर हैप्लॉइड ही होंगे ना. तो इसका न्यूक्लियस यानी कि ये जो स्पर्म है कैसा है, ये भी हैप्लॉइड है. आगे चलो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी देखो, कहाँ तुम क्लियर चेंज कर देते माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये एनर्जी देता है. तो किस लिए चाहिए वैसे एनर्जी, एनर्जी चाहिए क्योंकि इसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते हुए ओवम के पास जाना है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से मूव करते हुए फिर ओवम के पास जाना है, तो उसको एनर्जी चाहिए. तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर इट्स इट्स मोटिलिटी, मूवमेंट, मूव करके जा रहा है. और मूवमेंट आ किसकी वजह से रहा है, टेल की वजह से, प्रोवाइड मोटिलिटी, सिंपल सी बात. ठीक है, यहाँ पे कवर हो गया क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लेकिन एक चीज़ और जो लास्ट बार मैं वापस से रिपीट करूँ, मुझे पता बोरिंग हो रहा हो क्योंकि तुम लोग पहले से बहुत बड़े मास्टर हो, तुम्हें सब आता है, बार बार एक चीज़ को रिपीट करने में बोरियत तो होती है, बट होती है तो होती रहे, करेंगे तो है ही. तो मेल जर्म सेल्स कैसे थे, डिप्लॉइड थे, इसमें कोई मियोसिस थोड़ी हुआ है, तो ये डिप्लॉइड है. इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 46. उसके बाद इससे बने थे क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो अपने आप बन गए थे, कुछ मैच्योर हो गए थे. क्या मैंने पीछे गलत बोल दिया क्या है, पीछे मैंने गलत बोल दिया कि हैप्लॉइड हुआ है यहाँ पे, मियोसिस फर्स्ट हुआ है. चल पागल, इतनी देर में तो तुम लोग कॉमन प्रॉब्लम में धड़ाधड़, मैडम क्या बोल रही, पागल हो गई हो क्या, ऐसे थोड़ी होता है. ये देखो ये गड़बड़ कर दी ना मैंने यहाँ पे, तुम्हारे जज्बातों को ठेस पहुँच गई होगी. ये यहाँ हुआ है मियोसिस फर्स्ट, यहाँ हुआ है मियोसिस सेकेंड, ठीक है, सीधी सी बात है. तो ये तो ऐसी बन गए थे, मैच्योर हो गए ना, ये जो स्पर्मेटोगोनिया थे, ये स्पर्मेटोगोनिया ही तो मैच्योर होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे हैं, राइट. तो फिर बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने किया था मियोसिस फर्स्ट, तो अभी इसमें थोड़ी हुआ है, तो ये भी कैसा है, डिप्लॉइड. इसके भी क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 46. फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने ही तो मियोसिस फर्स्ट करा था कि नहीं, तभी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना था. तो क्या ये तुम्हारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं हो गया, फर्स्ट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. इसके बाद बना क्या, स्पर्मेटिड. ये तो प्रॉपर हैप्लॉइड है क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो गया है, ठीक. अब इसी को ना जैसे एनसीईआरटी में दिखा रखे ना, सर्कल सर्कल बना के वो और देख लो, क्योंकि एग्जाम का भरोसा नहीं है, वो ऐसे भी चार्ट बना के दे सकता है कि भाई मेल्स में तो प्यूबर्टी पे ही आती है ना ये सब चीज़ें यार, है ना. तो इसने माइटोसिस करा, अपने नंबर बढ़ाए थे, तो ये बन गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. उसके बाद इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने किया था मियोसिस फर्स्ट, है ना, और ये बन गए सेकेंडरी. फिर इस सेकेंडरी वाले ने फिर से मियोसिस करा था और ये बन गए क्या, स्पर्मेटिड, ठीक है, ये बन गए स्पर्मेटिड. ये स्पर्मेटिड में फिर डिफ्रेंशिएशन हुआ है जब ये सर्टोली सेल के पास गए थे,
और फिर यहाँ से इन्होंने बना दिया क्या स्पॉर्म। तो अभी तक तो ये सर्कल सर्कल से ही दिख रहे थे सेल जैसे, फिर डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद ये स्पॉर्म बन गए, तो इसका नाम क्या हो गया, मतलब स्पर्मेटोजोआ बन गया। अब यहाँ भी देखो स्पर्मेटिड है ना, स्पर्मेटिड से पहले ये हो गया 23, इससे पहले कौन है स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड स्पर्मेटोसाइट, तो ये भी हो गया 23, ये भी हो गया 23। तो क्वेश्चन कहते क्या, मैं क्या बोलने वाली हूँ वो सुनो, क्वेश्चन ये है कि विच इज द फर्स्ट हैप्लोइड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन मेल गैमेटोजेनेसिस, नाम क्या उसका, नाम है भाई साहब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनका ना, मैं ये डायग्राम बना के दे दिया, चलो इनके नाम वाम भी चलो दे दिए, ये लिखो इनका प्लॉइडी लेवल किसके पास, मतलब प्लॉइडी लेवल है प्लॉइड डिप्लॉइड, और इनके क्रोमोसोम के नंबर बता दो, तो वो फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है जिसमें नंबर 23 हो जाता है, उसका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, चल यहाँ बात खत्म होगी, और यहाँ पे तुमने सब कुछ सीख लिया, तुमने सब कुछ सीख लिया इसके बारे में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो तो फिर यहीं पर ओवर करते हैं, बाय बाय।